दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WIP टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शानदार पलटवार करते हुए अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने खासकर रविचंद्रन अश्विन ने अपने घातक गेंदबाजी से अंग्रेजों को अपने कदमों में झुका दिया है। दोस्तों बताएंगे टीम इंडिया की पूरी पारी में शानदार पलटवार की पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप रविचंद्रन अश्विन को एक खतरनाक स्पिनर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा पहला टेस्ट अब बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर की नाबाद 85 रनों की बदौलत 337 रन बनाए। दोस्तों, भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि सातवें नंबर का गेंदबाज सबसे ज्यादा रन बनाया। जी हां, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 85 रन बनाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर उनका साथ कोई दूसरा बल्लेबाज देता तो वे अपना पहला शतक जरूर लगाते और इस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते। लेकिन कोई विकेट ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें नाबाद वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, सुंदर के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 73 रन की पारी खेली, तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से डॉम बेस ने 4 विकेट झटके, तो जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर और जैक लिच ने 2-2 विकेट चटकाए। दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे, जिससे भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 241 रन पीछे रही। हालांकि इंग्लैंड ने फॉलो ऑन नहीं देने का फैसला किया और इसकी सबसे बड़ी वजह रही भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड भलीभांति जानता है अगर वह टीम इंडिया को दोबारा बैटिंग देगा तो ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज तेजी से रन बना देंगे और फिर भारतीय स्पिनर्स उन्हें आउट कर सकते हैं। इसलिए जोरूट ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और टीम इंडिया को फॉलो ऑन खिलाने के बजाय खुद बल्लेबाजी करने आए। तो इस बार भारतीय गेंदबाज वो गलती नहीं किए जो दूसरी पारी में की। अंग्रेजों को दूसरी पारी में बैटिंग करना भारी पड़ गया। जी हां दोस्तों, कप्तान कोहली दूसरी पारी में गेंद अश्विन को सौंप दी, तो अश्विन ने एक सनसनीखेज शुरुआत की जब दूसरी पारी के पहले ही गेंद पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। ओपनर रॉरी बॉन्स को खाता भी नहीं खोलने दिया। दोस्तों, पहला विकेट जल्द मिलने के बाद अश्विन और भी खतरनाक गेंदबाजी करने लगे। ऐसे में अंग्रेज बल्लेबाजों ने अटैकिंग करके उनकी लाइन लेंथ बिगाड़नी चाहिए, लेकिन अश्विन के आगे उनकी एक नहीं चली और 32 रन पर ही दूसरे अंग्रेज ओपनर शिवली को भी अश्विन ने पवेलियन भेज दिया। उसके बाद कप्तान जो रूट ने आती ही आक्रामकता से बल्लेबाजी की, जिससे दबाव भारतीय गेंदबाजों पर आए। लेकिन दोस्तों, ईशांत शर्मा ने दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे लॉरेंस को LBW आउट कर इंग्लैंड को 58 रन पर ही तीसरा झटका दिया और इसी के साथ ही ईशांत शर्मा ने अपने 300 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए। दोस्तों, आपको बता दें, ईशांत तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं जो 300 विकेट लिए हैं। इससे पहले अनिल कुंबले और जहीर खान ने लिए थे। दोस्तों, आज दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। 3 विकेट लेने के बाद चौथे विकेट के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अश्विन ने अपनी तीसरी विकेट लेते हुए खतरनाक बल्लेबाज बेन स्टोक को महज 7 रन पर ही पवेलियन भेज दिया और 71 रन पर 4 अंग्रेज बल्लेबाजों को भारतीय टीम ने पवेलियन भेज चुकी थी। अब यहां से दोस्तों, मैच एक बार फिर भारत की तरफ झुक गया। हालांकि रूट तेजी से रन बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब 32 गेंदों में ही 40 रन बना लिए थे। लेकिन बुमराह ने उनकी भी बोलती बंद कर दी जब उन्हें LBW आउट करके पवेलियन भेज दिया और 101 रन पर ही आधी टीम आउट हो गई। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया है। अब यहां से अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया है।